नमस्ते दोस्तों, फिर मैं आ गई आप लोग के पास नया एक ब्लॉग के साथ। करुणा किचन की तरफ से आप सबको स्वागत है। आज मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और पूजा मेरा हो गया है। राधा रानी को उठा दिया मैंने, लेकिन अभी नहलाया नहीं है, अभी बाद में नहलाऊंगी। आज मेरी टाटा से मौसी आ रही है, छोटी वाली मौसी, और मेरी मामा की बेटी आ रही है ज्योति, और सुमी आ रही है। तो हम लोग सबको मिल के जाएंगे जैदा मंदिर, जहाँ बहुत बड़ा शिव बाबा है, तो आप लोग को दिखाएंगे। और अभी नाश्ता के लिए मैंने सब रेडी करके रख लिया है, अभी बनाएंगे। राधा रानी को नहला दिए, ड्रेस पहना दिए, अब बैठी हुई है। अब मैं नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ। मैं नाश्ता को बना लेती हूँ और देखिए मैं नाश्ता में क्या बना रही हूँ। आटा सान के रख दिया मैंने, पराठा बनाना है, घुघनी बनाना है, और देखिए बन गया। आज हम लोग दीदी के घर पे आए हैं, तो बहुत ही स्पेशल ब्रेकफास्ट है। सबसे पहले खाएगी राधा रानी, सो इसमें है पराठा, घुघनी और मिठाई। तो चलिए सबसे पहले खिलाते हैं। ये देख लीजिए, राधा रानी यहाँ बैठी हुई है, आराम कर रही है। मिष्टी खा पहले, मिष्टी जरा मिष्टी टन से देखो। आ गई है ये ज्योति है मेरी मौस, और आलू खाई सुमी है। इतना कुछ खा रहे हैं, वहां जाके पहले ट्रेन पकड़ लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। आइए आप लोग, हम लोग के साथ ट्रेन, हम लोग जा रहे हैं। अभी छोटे में बैठ गए हैं और मेरे पास राधा भी बैठ गई है। हम लोग स्टेशन पहुंच गए, अभी चलते हैं, देख लीजिए सब। हम लोग पीछे हैं, फुहारा जैसे बारिश हो रहा है, फुहारा जैसा। और राधा रानी बहुत खुश है और वो जा रही है बस, और बारिश भी हो रही है धीरे धीरे से। इन लोग पता नहीं किस बात पे हंसे जा रहे हैं, लोग काम है, लाफिंग गैस। ट्रेन आ गई है इंटरसिटी चल चुकी है। अभी हम लोग जा रहे चांडिल। राधा रानी पहली बार ट्रेन में चढ़ी है, नहीं दूसरी बार, दूसरी बार हाँ। राधा रानी तो ट्रेन से ही आई है, तो राधा रानी का दूसरी बार हो गया ट्रेन में। देखिए दिखा देती हूँ बाहर का नजारा, देखिए पानी गिर रहा है। हम लोग छतरी लेके आए हैं साथ में, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ चांडिल स्टेशन। चांडिल स्टेशन देखिए छोटा सा है, बहुत बड़ा भी नहीं है, ये झारखंड है। अभी मैं भी छतरी खोल रही हूँ। पूरा बारिश हो रहा है, हम लोग भीग के राधा को ढक के रखे हैं और छाता लेके चल रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बाबा के यहाँ। ये कौन सा मंदिर है बता दूँ क्या? जैदा मंदिर है चांडिल में, चांडिल का जैदा मंदिर है, और बहुत ही जागृत प्रभु है यहाँ पे, भोले बाबा का मंदिर है। और भीगते हुए जा रहे हैं तो बहुत मजा आ रहा है, आप लोग भी आइएगा देखने। रील्स बना रहे हो, बहुत मजा आ रहा है।
ज्योति आगे आगे जा रही है, पीछे मुड़ के देखो थोड़ा सा। देखिए और थोड़ा दूर में है शिव बाबा का मंदिर, जयदा मंदिर। जयदा मंदिर देखिए पहाड़ी के अंदर में है, चारों तरफ नजारा देखिए कितना सुंदर लग रहा है। चारों तरफ पहाड़ी, हरियाली हरियाली है। और देखिए ये जो है ये नदी बह रहा है और गाना बज रहा वहीं पर शिव भगवान का मंदिर में। तो हम लोग भी जा रहे हैं, थोड़ा सा चलना पड़ता है, थोड़ा दूरी है, मतलब टोटो वाला वहां से हम लोग को उतार दिया है। देखिए सावन महीना चल रहा है तो चारों तरफ पूरा दुकान दुकान है। इधर भी देखिए खाने का भी सामान मिलेगा यहाँ पर। प्रसादी भी मिल रहा है। ये बाबा का मंदिर देखिए, बाबा का मंदिर देखिए बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत जागृत मंदिर है। झारखंड में पड़ रहा है लेकिन बहुत अच्छा मंदिर है। बहुत दूर दूर से सबको यहाँ पर आते हैं। अच्छा लग रहा है और सीढ़ी तो बहुत सीढ़ी है लेकिन पूरा पानी गिर गया है तो नीचे उतरने में डर लग रहा है। देखिए मंदिर का हम लोग दर्शन कर लिए मंदिर में, तो उतना भीड़ नहीं था, अच्छा था दर्शन, बहुत अच्छे से हुआ है। लेकिन कैमरा अलाउ नहीं है तो इसलिए हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन आप लोग जरूर आइएगा चांडिल में, कहाँ जयदा जयदा मंदिर में, बहुत अच्छी जगह। हम लोग का हो गया है पूजा करना, अभी हम लोग निकल गए हैं मंदिर से। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर काली मंदिर है वहाँ घूमने के लिए जाएंगे। तो रात तक क्या होता है वो सब दिखाएंगे आप लोगों को। हम लोग तो सो गए थे, फिर रेस्ट करने के बाद उठे, चाय पिए। अभी देखिए सुमी सब्जी काट रही है, तहरी बनाएगी। हम बोले पूरी सब्जी बनाएंगे, सुमी बोले ये नहीं, पूरी सब्जी नहीं खाएंगे दीदी,
सो सब्जी खाएंगे और मतलब तहरी वाला सब्जी के साथ, उसी में रहेगा सब कुछ डाला हुआ। हम तो कभी बनाए नहीं है, सुमी बनाए। रेसिपी दिखाऊंगी मैं कैसे बनता है, वेज हो भी प्योर वेज विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक। आज ज्योति जो है तो सोई हुई है। हाय, मैं थोड़ा मोबाइल में थोड़ा सीरियल देख लेती हूँ। बहन खाना बना रही है, वरना टाइम नहीं मिलता है ना। मुझे भी थोड़ा सा आराम मिल गया क्योंकि सुमी बना रही है खाना, तो थोड़ा सा हमको भी रेस्ट मिल गया है। फिर दिखाती हूँ आप लोगों को कि तहरी सुमी कैसे बनाती है। सो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया गोटा धनिया, 1 इंच अदरक ले लिया है और कुछ खड़े गरम मसाले आप अपने पसंद के ले लीजिए, इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, स्टार फूल, जो जो भी है आपके पास अवेलेबल खुशबू के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए, वो मैं थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी और इसे पीस लूंगी। सो सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार है। यहाँ पे उबाल ली हूँ मैं न्यूट्रीला सोयाबीन की बड़ी और यहाँ पे ये थोड़े से चिक पीस छोले उबाल ली हूँ और ये जो मसाले थे ना जो अभी बताई, इनको अच्छे से पीस ली हूँ। आलू ली हूँ, मिर्ची ली हूँ, टमाटर ली हूँ और यहाँ पे मैंने चावल सोख करके रखे हुए हैं। बस इतने से सामान में अभी रेडी हो जाएगा। धनिया पत्ता भी अवेलेबल नहीं है, आप डाल लीजिएगा अपने हिसाब से। थोड़ा अच्छे क्वांटिटी में ऐड करेंगे, बस इतना काफी है। सबसे पहले डाल रही हूँ जीरा, चटक जाने दीजिए जीरा को। इसके बाद डालेंगे तेज पत्ता, तो 2 तेज पत्ता डाल देती हूँ मैं। अब जाएगा इसमें आलू। बहुत ही झटपट इजीली बन जाती है, अगर आप सब सामान एक साथ तैयार कर लेते हैं तो फटफट बन जाएगी। आलू फ्राई हो जाएगा, आलू के साथ डाल देंगे मिर्ची। अब इसको थोड़ा सा ऐसे चला लेंगे और इसको पकने देंगे। अभी देखिए इसमें ये चिक पीस डाल देंगे, छोले टेस्ट अच्छा आता है, उबले हुए छोले और ये सोया बड़ी भी डाल देंगे, ऐसे मिक्स करेंगे, चलाएंगे, भूनेंगे। टमाटर भी साथ में ही डाल देंगे ताकि गल जाए, कोई प्रोसेस नहीं है कि इसको पहले डालना है इसको बाद में, बस डाल दें। ऐड करते जाएंगे सब चीजें झटपट, एक बार चला लेंगे। और अब ऐड करेंगे नमक एंड हल्दी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। नमक मैंने ऐड कर दिया है, अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच हल्दी। बस और इसको चला देंगे। थोड़ा अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। अब ये जो मसाले ये भी इसमें ऐड कर देंगे पूरे। सुमी खाना बना रही है और मैं सुमी का तहरी कैसे बनाती है वो मैं देख रही हूँ। अब इसको करेंगे मिक्स। इसमें मैंने गोटा मिर्च भी ऐड कर दिया, अब इसको हल्का सा ढक देंगे। अब मैं इसमें ये धुले हुए चावल ऐड करती जाऊंगी। ये छोटे दाने का चावल है, आप कोई भी चावल ऐड कर सकते हैं, हमारे पास ये अवेलेबल था तो हम इसी से बना रहे हैं। एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और थोड़ा सा चावल को फ्राई करेंगे।
इसमें चावल आराम से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे सब्जियों के साथ। अब इसमें पानी जितना चावल लिए हैं उसका दुगना पानी गरम करके डाल देंगे और इसे अच्छे से अभी स्टर करेंगे, क्योंकि चावल पूरा भुन चुका था। मैंने अच्छे से इसकी 5 मिनट तक भुनाई कर ली है। इसे ढक देंगे। नमक आप चेक कर लीजिए, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कीजिए और इसे ढक के पका लेंगे। तो तहरी रेडी हो गया है रायता के साथ। अभी सबसे पहले राधा जी को खिलाएंगे हम लोग। तो नाइट ड्रेस पहन चुके हैं अभी और बहुत नींद आ रही है क्योंकि हम लोग थक गए हैं, तो अब सोने जा रहे हैं। मेकअप भी रिमूव कर लिया है हमने। ओके बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। टाटा।